तो दोस्तों जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली में नहीं है, हम अभी गांधी पार्क देहरादून में है हम। और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर युवाओं की, ये यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के आयोगों द्वारा छले गए वो बच्चे हैं जिनका कहना है कि एक ही चीज उत्तराखंड में आज हो रही है, वो है पेपर लीक। और ये तमाम युवा जो ही यहाँ पर आए हैं, ये देखिएगा कल रात से ये भीड़ लगातार यहाँ पर, और रात को इनको यहाँ से हटाया भी गया था। अलग अलग तरह से युवाओं के अलग अलग विचार थे इस बारे में, लेकिन जो युवा यहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है, ये तमाम युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये तस्वीरें यकीनन आपको मैं बता दूं, ये तस्वीरें यकीनन चिंताजनक हैं। ये चिंताजनक हैं धामी सरकार के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से युवा आज सड़कों पर है किसी भी राज्य में, अगर एक साथ इतने लोग सड़क पर आ जाएं तो यकीनन चिंता है। और ये घंटाघर है यहाँ पर, गांधी पार्क है जहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए ये युवा कल तक बड़ी शांति से बात कर रहे थे, लेकिन आज इनका मूड यही है कि हमें अगर कुछ चाहिए तो वो सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच को मुखर हो रखे ये युवा आज यहाँ पर, और तमाम युवा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे अच्छी बात इनके साथ ये है कि आज इनके पेरेंट्स भी इनके साथ हैं, कतिपय पेरेंट्स यहाँ पर हैं, कतिपय लोग यहाँ पर हैं, और तमाम जो ये युवा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, वो तमाम युवा आज चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये पुलिस प्रशासन के लिए भी यकीनन है, क्योंकि पुलिस को भी बड़ा सचेत होना पड़ेगा ये देखने के लिए, क्योंकि जो ये भीड़ है ये यहाँ पर मंगाई नहीं गई है, ये बच्चे यहाँ पर खुद आए हैं और ये आए हैं अपने हक के लिए। इनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए ये युवा यहाँ पर आया है, तो कुछ सोच के आया होगा, कुछ करने के लिए इनका मन यही है कि आप परीक्षाएं हम तभी देंगे जब आप जांच करवाएंगे। और सीबीआई जांच इकलौता इनका मुद्दा है। वहां कुछ युवा हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा कैमरा आप उधर जूम करें तो शायद ये बच्चे हमें दिखेंगे। ये देखिएगा ये यहाँ से युवा, और ये यहाँ से जहां तक भी आपकी नजरें जाए ये तमाम युवा, ये देखिएगा किस तरह से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों पॉइंट ये है, अब 2023 में निकाय चुनाव है उत्तराखंड में, 2024 में बड़ा चुनाव भी है, उसके बीच ये ऐसी तस्वीरें आना, कितना कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या सरगर्मी चल रही होगी, क्या कुछ उन्हें मनन करना होगा, इस पर जरूर सोचना होगा। और यकीनन धामी सरकार को ये सोचना जरूर होगा, जो आज युवा यहाँ पर पहुंचा है जिनको किसी भी तरह से यहाँ से हटाना होगा। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। ये तस्वीरें डराती हैं पर बहुत अपनी हैं, 94 के दंगों के 94 में जब ये देखिएगा यहाँ ये तस्वीरें आप देखिएगा सामने, ये इस तरह से पुलिस जो युवा ये है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जगह ये इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं युवा आज जो जा रहा है आगे बढ़ता लगातार जा रहा है। ये अभी ये देखिएगा धक्का मुक्की वहां पर चालू हो गई है, बहुत तेजी से धक्का मुक्की हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिएगा और तमाम युवा किस तरह से आगे हो रहे हैं, ये युवा रुकेंगे नहीं, अगर कुछ होता है यहाँ से युवा बिल्कुल नहीं रुकेगा। और यहाँ से भी युवा ये देखेगा, यहाँ से भी युवा जाने लग गया है, क्या कुछ हो रहा है, ये भीड़ कहाँ तक जाएगी, क्या पुलिस प्रशासन इसे संभाल पाएगी। ये वाकई बड़ी तस्वीरें हैं इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, ये देखिएगा आप ये तमाम युवा किस तरह से आगे कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भीड़ बढ़ चुकी है, ये तमाम जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे ये बढ़ चुकी है यहाँ पर। इनका पूरा आक्रोश है सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर, क्यों इतने सारे ये पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं कल रात को आक्रोश दिखा वो क्यों, ये तमाम आक्रोश को लेकर आज युवा खुद आक्रोशित है। और ये तमाम युवा ये देखिएगा ये आगे बढ़ते जा रहा है, और जहां तक भीड़ है आप देखिएगा जहां तक नजर जा रही है वो भीड़ ये युवाओं की है। आज कुछ अलग सा हो रहा है उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून में, और ये तस्वीरें यकीनन चिंताजनक हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो उत्तराखंड शासन प्रशासन या फिर सरकार से अपनी सद्भावना रखता है। ये धक्का मुक्की यकीनन हो रही है यहाँ पर, ये धक्का मुक्की हो रही है, और पुलिस मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो पाएगी इनको रोकने के लिए, बेकाबू हो चुकी है ये पूरी तरह से भीड़। और युवा कहाँ से रुकेंगे, इतनी अधिक भीड़ ये युवा रुकने वाला नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनको आपको नीचे से भी दिखाने की कोशिश करेंगे अभी।
ये देखिएगा सामने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो धक्का मुक्की है और भारत का झंडा आगे लिए हुए युवा आज रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। क्या ये यहाँ से अब पूरी भीड़ जहाँ तक नजर जा रही है, ऊपर से भी हमने आपको दिखाया था, ये भीड़ देखिएगा फिर से कौतूहल बच्चों के युवाओं के बीच में और ये युवा मान नहीं रहे हैं, इन्हें अगर कुछ करना है तो आज जाना है और ये जाएंगे। इनका कहना है कि हमें धामी के पास जाना है। तो क्या और ये धक्का मुक्की है, देखिएगा आप किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की लगातार हुए जा रही है युवाओं और पुलिसकर्मियों के बीच में, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है आज युवा।